अच्छा, जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी ना, तो सर ने एक रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट बताया था. उन्होंने हमारे सब्जेक्ट का नाम लिखा था, विच वॉज सिस्टम डिजाइन विद माइक्रो प्रोसेसर. और इंस्टेड ऑफ आस्किंग के इस पूरे जो कोर्स का नाम है वो डिफाइन करें या डिफाइन करो, तो उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग का मेथड बताया था कि रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है. कि हमारे पास जैसे पूरा फॉर एग्जांपल कोर्स का नाम आ गया, तो उस कोर्स को हम पीस बाय पीस डिफाइन करेंगे कि इस पूरी लाइन में इस वर्ड का मतलब ये है, इस वर्ड 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 का मतलब ये है, इस वर्ड का मतलब ये है. और बिल्कुल लास्ट से चलते हैं, यानी कि जैसे अगर हमारे कोर्स का नाम है सिस्टम डिजाइन विद माइक्रो प्रोसेसर, तो पहले हम माइक्रो प्रोसेसर को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद सबसे पहले प्रोसेसर को करेंगे, फिर माइक्रो प्रोसेसर को, फिर हम जाएंगे डिजाइन पे, फिर सिस्टम डिजाइन. तो इस तरह से वो पूरा करके बताया था. तो ये आपकी होती है रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है? इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, अगर आपको उससे पढ़ना हो तो उससे भी पढ़ सकते हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोसेसर. प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर बेसिकली एक आईसी होता है, ठीक है, जो कि परफॉर्म्स कैलकुलेशन दैट रन अ कंप्यूटर. ऐसी कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है जो कंप्यूटर पर रन होती हैं, ठीक है. प्रोसेसर जो है वो अर्थमेटिकल, लॉजिकल, इनपुट आउटपुट और सारे जितने भी इंस्ट्रक्शन पास हो रहे होते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम से, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, ठीक है. अर्थमेटिक जैसे हमारी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ें हो गई, लॉजिकल वाली लॉजिकल हो गई, इनपुट आउटपुट से यानी इनपुट से डेटा लेना, उसको आउटपुट पर भेजना. और कोई भी हमारी इंस्ट्रक्शन आ रही है, ये भी एक इंस्ट्रक्शन ही होती है कि हम इनपुट एंटर करते हैं और फिर उसको आउटपुट दिखाना होता है. तो ये सारे ऑपरेशंस प्रोसेसर परफॉर्म करता है, ठीक है. प्रोसेसर को ही हम सीपीयू कहते हैं, ठीक है. प्रोसेसर को ही हम सीपीयू कहते हैं, ठीक है. जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो हमारा बेसिकली एक प्रोसेसर ही होता है. अच्छा, अब माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर यानी के प्रोसेसर का एक माइक्रो वर्जन, ठीक है. तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का एक बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट होता है, जिसका काम होता है फॉर प्रोसेसिंग द यूनिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेसेस. मतलब के कोई यूनिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, तो इसका काम होता है इन सबको प्रोसेस करवाना, ठीक है. अ माइक्रो प्रोसेसर इज डिजाइन टू एक्सिक्यूट लॉजिकल एंड कंप्यूटेशनल टास्क विद टिपिकल ऑपरेशन. सही है, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डिजाइन किया गया है लॉजिकल और कंप्यूटेशनल टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, सच एज एडिशन हो गए, सब्ट्रैक्शन हो गए, ठीक है, अर्थमेटिक हो गए. इंटर प्रोसेस करता है, डिवाइस कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है, इनपुट आउटपुट की मैनेजमेंट करता है और ये सब वगैरह, ठीक है. आ माइक्रो प्रोसेसर कंपोज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट दैट होल्ड थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है. आ माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एक ऐसी आईसी है जिसके थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है. एग्जैक्टली हाउ मेनी डिपेंड्स ऑन इट्स रिलेटिव कंप्यूटिंग पावर. अच्छा, फिर जो है एक ये मैंने खुद ही से क्वेश्चन किया था कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड प्रोसेसर हो सकता है. फिर हमें सवाल मिले कि प्रोसेसर को डिफाइन करें हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में लिखकर आ जाए, या माइक्रो प्रोसेसर को डिफाइन करें हम प्रोसेसर का लिखकर आ जाए. तो जिसके भी माइक खुले हैं अनम्यूट म्यूट कर दीजिए, क्योंकि आइसक्रीम वाले की आवाज़ आ रही है. अच्छा, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ठीक है. तो ये तीन में तीन डिफरेंसेस हैं इनके. सबसे पहले तो प्रोसेसर जो है वो एक चिप है जो एक ब्रेन की तरह काम करता है. जैसे हमारी बॉडी में दिमाग जो हमारा काम कर रहा होता है, वैसे कंप्यूटर में एक प्रोसेसर जो है वो दिमाग का काम कर रहा होता है, जो कि सारी कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ को हैंडल करता है. माइक्रो प्रोसेसर इज मोर देन दी प्रोसेसर, ठीक है. मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो प्रोसेसर से भी ज़्यादा काम कर रहा होता है, जिसके अंदर दूसरे प्रोसेसर भी इंक्लूड हो जाते हैं. और इन माइक्रो प्रोसेसर में जो है वो रैम, रोम या अदर पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं होते है. ठीक है. द सीपीयू जो है वो एक चिप है, ये तो वही वाला पॉइंट आ गया जो ऊपर वाला है. अच्छा, इट कंटेन्स अदर प्रोसेसेस
प्रोसेसर्स, फॉर एग्जाम्पल द ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट, जीपीयू एंड अदर्स. उसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर जो है इज मेड विद ट्रांजिस्टर एच्ड ऑन टू सिलिकॉन. ईच वन इज माइक्रो, मतलब ट्रांजिस्टर्स और एच्ड वो सिलिकॉन से बनता है माइक्रो प्रोसेसर, और ईच वन इज माइक्रो इन द मिलियंस ऑफ अ मीटर मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्मॉलर. ठीक है, छोटे छोटे होते हैं. प्रोसेसर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो इतना भी बड़ा हो सकता है कि वो एक आपके कमरे जितना बड़ा हो जाए. ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर के नाम से पता चलता है कि वो एक छोटा है. प्रोसेसर जो है वो इतना बड़ा हो सकता है कि एक रूम जितना भी हो जाए. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर और कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच का एक इंटरफेस होता है. ठीक है, जिस पर मैंने जो अभी ये स्क्रीन शेयर की हुई है आप लोगों को नज़र आ रहा है, मैंने क्रोम ओपन किया हुआ है. ये मेरी विंडोज़ है, विंडोज़ पे इतनी सारी एप्लीकेशन हुई हुई हैं, हर चीज़ है. ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, तो ये होता है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम. अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो के विच परफॉर्म ऑल दी बेसिक टास्क. सही है, सारे बेसिक टास्क आते हैं लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट आउटपुट एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज डिस्क ड्राइव एंड प्रिंटर्स. अब ये सारा काम कैसे हो रहा होता है? फॉर एग्जाम्पल, हम एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में चीज़ें मूव करते हैं, फाइल मैनेजमेंट हो जाती है. ठीक है, हम कोई भी चीज़ स्टोर करवा रहे हैं, मेमोरी मैनेजमेंट हो जाती है. मतलब हमने एक चीज़ स्टोर करवाई और वो स्टोर हुई है, डिलीट नहीं हुई है, और जहाँ पे जिस लोकेशन में स्टोर की उसी लोकेशन में वो हुई है, उसके अलावा कहीं और नहीं हुई है. ठीक है, तो ये आपकी होती है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट. हम कोई भी प्रोसीजर करवा रहे हैं और वो हो रहा है एक्चुअल में, तो प्रोसेस मैनेजमेंट. हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट, हमारी जो भी इनपुट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कीबोर्ड हो गई, स्कैनर हो गया, आउटपुट डिवाइसेस हो गई, माउस, सॉरी इनपुट डिवाइस है माउस, आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, इन सबको हैंडल कर रहा होता है. सही है, फिर पेरीफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, पेरीफेरल डिवाइसेस सच एज डिस्क ड्राइव एंड प्रिंटर्स. ठीक है, अच्छा, कीबोर्ड माउस ये सब हमारी पेरीफेरल डिवाइसेस होती हैं. ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है पेरीफेरल डिवाइसेस उनको कहते हैं जो अलग से कनेक्टेड होती हैं. जैसे कि अगर हमारा एक कंप्यूटर है तो उसमें मॉनिटर अलग से कनेक्ट हो रहा है, वो भी पेरीफेरल डिवाइस हो गई. कीबोर्ड अलग से कनेक्ट हो रहा है, वो भी पेरीफेरल डिवाइस हो गई. माउस अलग से कनेक्ट हो रहा है, वो भी पेरीफेरल डिवाइस हो गई. फिर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ पॉपुलर हैं जो कि लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, वीएमएस, ओएस, ये सारे होते हैं. सही है, उबंटू होता है, लिनक्स होता है, और भी बहुत सारे, यूनिक्स होता है. अच्छा, सिस्टम डिफाइन, सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है? सिस्टम डिज़ाइन इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द कंपोनेंट मॉड्यूल एंड फ्रेम डेटा फॉर अ सिस्टम. मतलब कि सिस्टम डिज़ाइन में होता है कि हमें कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स दी गई होती हैं, उसके हिसाब से जो है हम कुछ कंपोनेंट्स बनाते हैं, मॉड्यूल्स बनाते हैं, इंटरफेसेस बनाते हैं, ताकि हम उन रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर पाएं. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक घर का जो है वो एक प्लॉट खरीदा है आप लोगों ने, वो खाली प्लॉट है, उस पर आपको घर बनाना है, तो पहले जो है उस घर का एक ब्लूप्रिंट बनता है, ये सारी चीज़ें बनती हैं, फिर उसको देख के पूरा घर बनता है. तो उसको देख के जो है वो ईंटें लाई जा रही हैं. ठीक है, पूरा एक स्ट्रक्चर घर का खड़ा किया हुआ है, क्या उन रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. तो क्या कर रहे हैं, घर का डिज़ाइन बना रहे हैं. इसी तरह से होता है आपका सिस्टम डिज़ाइन. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से स्टार्ट होता है असल हमारे सारे टॉपिक्स. सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, पूरे सब्जेक्ट हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था. ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है माइक्रो प्रोसेसर का. माइक्रो प्रोसेसर क्या है? वही जो हमने ऊपर पढ़ा, यहाँ भी वही चीज़ लिखी हुई है थोड़े से अल्फाजों को पैराफ्रेज करके. बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एक डिजिटल डिवाइस है चिप पे, जो कि इंस्ट्रक्शंस को फेच करती है मेमोरी से, डिकोड करती है और फिर एक्सिक्यूट करती है, और फिर जो है अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है. इनपुट से डेटा लेती है और फिर जो इनपुट से डेटा लिया है उसको आउटपुट पर सेंड करती है. तो ये सारा काम जो है वो माइक्रो प्रोसेसर कर रहा होता है. ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेस विद मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस पेरिफेरल फ्रॉम अ माइक्रो कंप्यूटर. लिखा हुआ है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो मेमोरी, आईओ डिवाइसेस या फिर किसी पेरिफेरल डिवाइसेस से इंटरफेस करती है और एक माइक्रो कंप्यूटर बन जाता है. तो अच्छा,
कंप्यूटर के जो हैं वो पांच बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के हमारे पांच बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो के ये पांचों हैं, ठीक है। इनपुट यूनिट होता है आपका, मेमोरी यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और आउटपुट यूनिट होता है, ठीक है। इतना तो आता ही होगा कि इन पांच नाम को सिर्फ सुनते ही हमें पता चल जाए कि इनपुट क्या कर रहा है, मेमोरी क्या कर रहा है, अर्थमेटिक क्या कर रहा है, कंट्रोल क्या कर रहा है, आउटपुट क्या कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम जो है एक अपने एंटर करते हैं, इनपुट क्या करते हैं, 2 + 2, ठीक है। तो ये जो डेटा इनपुट हो रहा है ना, ये हमारा इनपुट डिवाइस से इनपुट होगा, और ये जो होगा इसको कहलाएंगे इनपुट यूनिट। क्या यानी कि हमने कुछ लिखा है और उसने उसको गेट किया है, ठीक है। अब जब हमने वो 2 + 2 लिखा है, तो वो उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर कर रहा होगा ना, उस पर वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो जहाँ वो उसको स्टोर कर रहा होगा, वो आपका होता है मेमोरी यूनिट, यानी कि उसने एज अ टेम्पररी उसको मेमोरी में सेव कर दिया है कि ये हमारे पास डेटा आया है, इसको हमने सेव करवाना है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो डेटा आया है, ये कौन सा डेटा है, ये है 2 + 2, यानी कि क्या हो रहा है, इस पर एक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, किसका, एडिशन का, यानी एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि हमने जो इनपुट किया है उस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अगर वो अर्थमेटिक लॉजिक से कनेक्टेड है, तो वो यहाँ पे डेटा आ जाता है, जैसे कि 2 + 2 था, वो डेटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, वो जब डेटा हमारे पास सॉल्व हो गया, जैसे 2 + 2 का वो आंसर क्या आएगा, 4, 4 अगेन हमारे पास जो है वो मेमोरी में जाके सेव हो जाएगा कि 4 आया है। फिर हमने जो है उसको डिस्प्ले करवाना है, तो डिस्प्ले जो है वो हमारी एक ऑब्वियसली आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले होगा, तो वो हमारा आउटपुट यूनिट होता है। अच्छा, इनपुट, मेमोरी, अर्थमेटिक, ALU और आउटपुट की बात हो गई। अब कंट्रोल यूनिट मैंने अभी तक क्यों नहीं बताया, क्यों, क्योंकि कंट्रोल यूनिट का काम बेसिकली ये होता है कि जब हमने वो एक एक्सप्रेशन एंटर करी, तो इनपुट डिवाइस ने उसको लिया, सही, इनपुट यूनिट आया, फिर वो सेव हुई तो वो मेमोरी यूनिट में गया, फिर उसको पता चला कि भाई इस पे एक अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, तो वो ALU पे चला गया, फिर उसका जब आंसर आ गया तो उसने आउटपुट पे दिखा दिया। तो ये सारी चीजें जो हो रही है ना, कि हमने एक पेरिफेरल डिवाइस से एंटर कर दिया, तो वो इनपुट यूनिट में गया, फिर मेमोरी में सेव हुआ, फिर पता चला कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, फिर आउटपुट, ये जो सारी कंट्रोलिंग हो रही है ना, कंट्रोल यूनिट करता है, कि मतलब कंट्रोल यूनिट ये सारा काम संभाल रहा होता है, यानी कि यूं कह दें कि कंट्रोल यूनिट दूसरे यूनिट्स को संभाल रहा होता है, सही है। कौन सा इंस्ट्रक्शन कौन से यूनिट में जाना चाहिए, कौन सी चीज़ कौन से यूनिट में जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं कंट्रोल यूनिट संभाल रहा होता है, ठीक है। अब इसके नीचे जो है वो पूरी एक लिखी हुई है डेफिनेशन, आपको ये पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। मैंने बेसिकली यही सब पढ़ा है, और पढ़ के आसान लफ्जों में आपको पांचों बिल्डिंग ब्लॉक्स का बता दिया, ठीक है। तो ये होते हैं पांच बिल्डिंग ब्लॉक्स कंप्यूटर के, कि हम जब भी कुछ एंटर करते हैं, वो इनपुट यूनिट से जाता है, मेमोरी में सेव होता है, ALU पे पास जाता है कि इस पे जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करो, फिर आउटपुट यूनिट पे भेज दिया जाता है, और ये सारा काम कंट्रोल यूनिट कंट्रोल कर रहा होता है। कोई कुछ कह रहा था? ओके, अच्छा, इसमें ये डायग्राम है। अच्छा, एक बार लाजमी याद रखिएगा कि जब भी कोई चीज़ एक्सप्लेन करें, कभी भी कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करें, उसके साथ एग्जाम्पल लाजमी दें, ठीक है। और सिर्फ ऐसे नहीं कि एग्जाम्पल ऐसे ही लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल, और यूँ बकायदा एग्जाम्पल की हेडिंग डालें और एक डायग्राम बनाएं। अगर आपको उससे कोई छोटी सी भी छोटी डायग्राम है ना, यानी कि बस इनपुट लिख दिया, आउटपुट लिख दिया, ये छोटी सी डायग्राम हो गई, ये पांच बिल्डिंग ब्लॉक्स बना दिए, और जो है बता दिया कि ये जो है पांच बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, लाजमी बनाओ। जितने हद तक डायग्राम्स बना सकते हो बनाओ, जितने हद तक एग्जाम्पल्स दे सकते हो लाजमी दो, क्योंकि जो सर है ना, वो कंटेंट को पढ़ने से ज्यादा जो है वो डायग्राम्स और एग्जाम्पल्स पे गौर करेंगे, ठीक है। तो अगर अपने पेपर को बहुत अच्छे से देना है, तो एग्जाम्पल लाजमी दो और डायग्राम्स बनाओ। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली वही सारी बातें लिखी हुई हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो, जैसे हमारा एक इंसानी दिमाग जो काम कर रहा होता है, वैसे ही CPU काम करता है, और क्योंकि वो इस तरह से काम कर रहा होता है, और जितने भी डिसीजन मेकिंग
और इंस्ट्रक्शन जो भी आ रहे होते हैं वो उन सबको सीपीयू ही हैंडल करता है, और जितने भी दूसरे पार्ट्स होते हैं उन सबको भी सीपीयू ही कंट्रोल करता है। तो इसलिए सो कहते हैं कि ये ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है। एक मिनट दिएगा, मैं जरा चार्जिंग पे लगा दूं। फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आईसी है डिजाइन फॉर यूज एज अ सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू जो है वो प्राइमरी और सेंट्रल प्लेयर होता है कम्युनिकेटिंग बिटवीन मतलब डिवाइसेस के बीच जो भी हमारी कम्युनिकेटिंग चल रही होती है, कम्युनिकेशन चल रही होती है, उस सबको वो कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, कम्युनिकेट करवा रहा होता है। जैसे हमारी एक इनपुट डिवाइस से जो है कुछ डेटा आया है जिसको आउटपुट पे शो करवाना है, तो उस इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में जो कम्युनिकेशन चल रही होगी उसको सीपीयू करवा रहा होगा, ठीक है, मेमोरी और दूसरी पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच जो भी बातचीत हो रही होती है उसको सीपीयू करवाता है। अच्छा, However, the timing of the communication process is controlled by the group of circuits called the central unit. मतलब कि कुछ timing of the communication के process की जो timing होती है वो control हो रही होती है by a group of circuits called central unit. ठीक है, फिर ये history लिखी हुई है कि पहला microprocessor जो है वो develop हुआ था 1971 में by Intel और उसका नाम था Intel 4004 और ये जो है 4-bit processor था। अब ये लिस्ट दी हुई है 4-bit माइक्रो प्रोसेसर और 8-bit माइक्रो प्रोसेसर्स की, सही है। 4-bit में इंटेल 4004 है, इंटेल 4040 है, फेयरचाइल्ड पीपीएस 25 है, रॉकवेल पीपीएस 4, नेशनल एम 4। 8-bit में हमारे आ जाते हैं इंटेल 8008, नेशनल एम 8, रॉकवेल पीपीएस 8, एएमआई 7200, मोस्टेक 5065। ठीक है, फिर आता है बेसिक माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम। ये लिस्ट रटनी पड़ेगी बिल्कुल, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं जो मैं समझा सकूं। ये तो बस 4-bit माइक्रो प्रोसेसर और 8-bit माइक्रो प्रोसेसर की लिस्ट है, तो ये आपको रटनी पड़ेगी। अच्छा, जो रटने वाली चीजें है ना वो इस तरह की हैं, जैसे आ गया कि पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डिवेलप कब हुआ था 1971 में, ठीक है, ये वाली चीज़ें रटने की हैं, ये वाली जो लिस्ट है ये रटने की है, डायग्राम्स रटने की हैं, लेकिन जो जिस चीज़ को जितना हद तक समझ सकते हैं ना बस उसको समझ लें। अच्छा, बेसिक माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कोई पर्पस सर्व नहीं करता अनटिल एंड अनलेस वो किसी मेमोरी या फिर आईओ पोर्ट से सपोर्टेड हो। मतलब अगर माइक्रो प्रोसेसर के जो है वो किसी डिवाइस से कनेक्ट नहीं है, उसके पास कोई मेमोरी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो वो माइक्रो प्रोसेसर बेकार है। जैसे हमारा दिमाग है लेकिन हमारे पास बोलने की, सुनने की, देखने की या हाथ पैर हिलाने की कोई सलाहियत नहीं है, तो हमारा वो दिमाग बेकार है, ठीक है। तो इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर का भी सेम यही है कि अगर इसकी किसी चीज़ से उसको सपोर्ट नहीं है तो ये माइक्रो प्रोसेसर एक बेकार है। एक कॉम्बिनेशन मेमोरी और आईओ पोर्ट्स का विथ माइक्रो प्रोसेसर, मतलब के मेमोरी और आईओ पोर्ट्स का माइक्रो प्रोसेसर के साथ जो कॉम्बिनेशन है ये कहलाता है बेसिक माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम। अच्छा, बसेस को अगर एग्जांपल देनी हो तो इसकी एग्जांपल सबसे बेस्ट यही है कि अगर हम एक जनरल बस की बात करें
तो वो क्या करती है, वो कुछ रूट्स पे चलती है, ठीक है, वो कुछ रूट्स पे चलती है, रास्ते से कुछ लोगों को पिक करती है, फिर उन्हीं लोगों को उनकी डेस्टिनेशन पर ड्रॉप कर देती है, ठीक है। तो ये होता है एक जनरल बस का काम। जब हम कंप्यूटर की मैं बसेस की बात करें तो उसमें भी कुछ डिफरेंस नहीं है। कंप्यूटर की बसेस भी कुछ इसी तरह से काम करती हैं। वो क्या करती हैं, कुछ डेटा को, कुछ एड्रेसेस को जो है वो कुछ रास्तों से फैच करती हैं, और फिर जहाँ पे वो डेटा और जो भी चीज़ों को जहाँ पे जाना होता है वहाँ पे उनको छोड़ देती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अब बस इज अ इस बेसिकली अ कम्युनिकेशन लिंक, ठीक है। बस जो है वो एक कम्युनिकेशन लिंक है बिटवीन द प्रोसेसिंग यूनिट एंड अ पेरिफेरल डिवाइस, सही है। अब पेरिफेरल डिवाइस हमारी हो गई कीबोर्ड, कीबोर्ड कह रही हूँ, कीबोर्ड। कीबोर्ड से हमने कुछ एंटर किया, ठीक है, कीबोर्ड से हमने एंटर किया, फिर उसको जो है उसके प्रोसेसिंग यूनिट में भेज दिया कि ये एंटर हुआ है तो इसको ऐसे प्रोसेस करो। जैसे अगर हम एंटर करते हैं तो एंटर पे क्या फंक्शन प्रोसेस होना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, ये सब बहुत विद इन सेकेंड्स हो रहा होता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो ये क्या था, ये एक पेरिफेरल डिवाइस और एक प्रोसेसिंग यूनिट के बीच में कम्युनिकेशन थी। ये बस के थ्रू हुई कि बस जो है वो जब मैंने कोई एंटर किया, बस वहां पे खड़ी हुई थी, फिर बस जो है उस सिग्नल को लेके प्रोसेसिंग यूनिट के पास गई, फिर उस प्रोसेसिंग यूनिट से जो है वो बस आउटपुट पे आई, यानी पेरिफेरल डिवाइस पे आई। तो ये कम्युनिकेशन जो लिंक चल रहा होता है ये बसेस होती हैं, ठीक है। बसेस क्या करती हैं, कंट्रोल सिग्नल्स को सेंड करती हैं और डेटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट, ठीक है। कंट्रोल सिग्नल सेंड करती हैं और डेटा सेंड करती हैं बिटवीन द प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट्स। अब हमारे पास जो बसेस की टाइप्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। अब कैसे, अगर आपको यहाँ से डिफरेंट तरह की बसेस होती हैं, जैसे मेरे घर से बस जाती है, वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पे नहीं छोड़ती है, ठीक है, लेकिन वो मेरे घर से जो है यूनिवर्सिटी के पास छोड़ देती है। तो उस बस का क्या पर्पस था कि वो इस रूट पे चलती है। अब मुझे यूनिवर्सिटी आने के लिए दूसरी बस लेनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि वो दूसरी टाइप है, वो दूसरे रूट पे चलती है। हमेशा एक बस सारे रूट्स पे नहीं चलती, डिफरेंट बसेस डिफरेंट रूट्स पे चलती हैं। तो इसी तरह से हमारा कौन सा डेटा कहाँ कब कैसे जाना चाहिए, इसके लिए भी 3 टाइप्स हैं बसेस की, ठीक है। एक एड्रेस बस होती है, एक डेटा बस होती है, कंट्रोल बस होती है। एड्रेस बस का काम क्या होता है, एड्रेस बस का काम होता है, सीपीयू एड्रेस बस को इस्तेमाल करता है टू सेंड दी एड्रेस ऑफ दी मेमोरी लोकेशन, ठीक है। सीपीयू काम करता है एड्रेस बस को मेमोरी एड्रेस ऑफ दी मेमोरी, यानी कि जो भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है उसको सेंड करने के लिए, या फिर इनपुट आउटपुट पोर्ट जो भी हमारी यूज हो रही है, एक्सेस हो रही है एट द इंस्टेंट, ठीक है। तो एड्रेस बस इसलिए यूज होती है। अच्छा, एड्रेस बस जो है वो यूनि डायरेक्शनल होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक रूट से एक बस पे अपने ऑफिस जा रहे हो, लेकिन सेम वही बस जो है आपको आपके घर पे नहीं छोड़ेगी, ठीक है। वो सिर्फ वन डायरेक्शन है, यूनि डायरेक्शनल है, सिर्फ जाएगी वापस लेके नहीं आएगी। तो ये एड्रेस बस जो है ये यूनि डायरेक्शनल बस होती है, यानी कि एड्रेस जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रांसफर हो सकता है, दैट इज फ्रॉम सीपीयू टू द रिक्वायर्ड पोर्ट और लोकेशन, ठीक है। यानी कि सिर्फ एक वन डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है, जो कि सीपीयू से जो है किसी भी रिक्वायर्ड पोर्ट या फिर लोकेशन पे जाता है। वेदर इट इज अ रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, द सीपीयू कैलकुलेट द एड्रेस, या रीड ऑपरेशन हो या फिर राइट ऑपरेशन हो, सीपीयू जो है वो एड्रेस सीपीयू जो है रिक्वायर्ड डेटा का एड्रेस कैलकुलेट करता है एंड सेंड्स इट ऑन द डेटा बस फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द रिक्वायर्ड ऑपरेशन, ठीक है। फिर उसको डेटा बस पे भेज देता है उस रिक्वायर्ड ऑपरेशन को एक्सिक्यूशन के लिए, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड इन अ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ एन एड्रेस, मतलब कि मैक्सिमम नंबर मेमोरी लोकेशन का जो कि हम एक्सेस कर सकते हैं वो डिटरमाइन हम कर सकते हैं बाय द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ एन एड्रेस बस। एड्रेस बस एंड एड्रेस बस ऑफ एन लाइंस कैन बी एड्रेस एट द मोस्ट 2n लोकेशंस डायरेक्टली, थस अ 16-bit एड्रेस बस कैन अलाउ एक्सेस टू 2, 16 और 64 के बाइट ऑफ मेमोरी, ठीक है।
अच्छा फिर आता है हमारा डेटा बस। डेटा बस, अच्छा ये याद रखिएगा, एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होता है, डेटा और कंट्रोल बस जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है। अब जैसे एड्रेस बस का नाम क्या था, एड्रेस बस यानी कि वो जो है एड्रेस भेज रही होती है, ठीक है। इसी तरह से डेटा बस का काम होता है डेटा को कैरी करना, ठीक है। वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी एंड पैरेलल डिवाइसेस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। यानी कि अगर मैंने कोई ऑपरेशन लिखा है जैसे 2+2 का, तो वो एक डेटा मैंने इंसर्ट किया है। अब उस डेटा को जो है वो कैरी करके उसको ALU तक लेके जा रहा है, या फिर जो है पेरिफेरल डिवाइसेस से लेके जा रहा है, तो ये सारा जो हो रहा है ना, ये डेटा कैरी कर रहा है। तो ये जो डेटा कैरी हो रहा है, फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये डेटा बस करता है, ठीक है। डेटा बस जो है वो बाई डायरेक्शनल होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रॉम द CPU टू मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। यानी ये वाली बस आपको आपके ऑफिस पे छोड़ती भी है और वापस लेकर भी आती है, ये बाई डायरेक्शनल होती है। अच्छा फिर है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये वाला डेटा बस जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कनेक्शंस टू द सीपीयू, बिकॉज एवरी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एवरी पार्ट ऑफ डेटा मस्ट ट्रेवल अक्रॉस द बस एट सम पॉइंट। मतलब हर इंस्ट्रक्शन, हर छोटे से छोटा डेटा हो, बड़े से बड़ा डेटा हो, उसको जो है किसी ना किसी पॉइंट पे जो है ट्रैवल करना पड़ता है, तो इसलिए डेटा बस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा फिर आती है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस भी बाई डायरेक्शनल होती है। अब जैसे हमने कंट्रोल यूनिट का पढ़ा था, ये कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा होता है, सारे अदर दूसरे यूनिट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। कंट्रोल बस भी कुछ कंट्रोलिंग का ही काम करती है, जैसे कि कंटेन्स अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड कैन सिंक्रोनाइज इन कंट्रोल बस जो है वो कंट्रोल सिग्नल जो है वो मेमोरी IO पोर्ट्स या फिर दूसरी डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस पे सिग्नल्स भेजती हैं, ताकि पता चले कि प्रॉपर काम हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि अगर मैंने 2+2 एंटर किया है तो उसने रिटर्न में 6 करवा दिया, ये प्रॉपर काम नहीं हुआ। तो कंट्रोल बस मेक श्योर करता है कि जो भी चीज़ हो रही है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। और इस तरह ये कैसे कैसे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, रीड इनपुट पोर्ट, राइट इनपुट पोर्ट होल्ड, ठीक है। इसका रट्टा लगाना पड़ेगा कि ये किन किन को काम करता है, सही है। मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, रीड इनपुट पोर्ट, राइट आउटपुट पोर्ट। अच्छा रीड इनपुट पोर्ट, हम जब भी कुछ एंटर करते हैं, इनपुट देते हैं, तो उसको ये रीड करता है, और जब भी कुछ हमारे पास आउटपुट आना होता है तो वो राइट हो रहा होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और होल्ड, पांच ऑपरेशन। ये एक एग्जाम्पल है किस तरह के कंट्रोल सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। ये इसकी डायग्राम है जो मैंने इंटरनेट से ली है, ठीक है। ये बना दें तो ये बना दें, बेस्ट है। और ये वाली डायग्राम सर ने बनाई थी तो ये भी बना दें, सही है। तो ये दो डायग्राम्स हैं इसकी। ये इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है जो कि थोड़ा सही से अभी तक मुझे भी क्लियर नहीं हुई है, जो मैं आप लोगों को डिफाइन कर पाऊँ, तो ये मैं छोड़ देती हूँ। अगर आप लोगों को खुद से समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, समझ लीजिएगा इसको पढ़ के। अच्छा दो और चीज़ें का इस्तेमाल होता है, एक होता है ऑब्जेक्ट कोड, एक होता है सोर्स कोड। ऑब्जेक्ट कोड वो कोड होता है जो जो कंप्यूटर समझता है, सोर्स कोड वो कोड होता है जो कि इंसान समझते हैं, ठीक है। आपने जब भी देखा होगा कि हमें कोई प्रोजेक्ट ढूंढना हो या कुछ भी ढूंढना हो, तो हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं उसको, ठीक है। सोर्स कोड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हम समझ सकते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग में आता है। ऑब्जेक्ट कोड वो कोड होता है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग में नहीं आता, कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग में आता है। अब एक कोई कंप्यूटर का कोड है, उसको हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो फिर एक कंपाइलर इंटरप्रेटर के थ्रू जो है वो हम तक सोर्स कोड बनकर आता है, या हमारा ने हमने कोई कोड लिखा है वो अगर कंप्यूटर पढ़ना चाहे तो वो फिर एक कंपाइलर इंटरप्रेटर के थ्रू पढ़ पाता है। तो ये डायग्राम सर ने बनवाई थी, ये डायग्राम भी आप अगर ऐसा कोई सवाल आए तो लाजमी बना दीजिएगा। अच्छा यही जो ऊपर है ना, ये 8 बिट 8 0 8 0 8, इसी की ये पिन कॉन्फ़िगरेशन, पिन डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन। इसकी मैंने पिन डायग्राम ढूंढने की कोशिश की, मुझे मिली नहीं है, 8 0 8 0 8 A की,
8085A की है, लेकिन 8080A की नहीं है, तो अगर किसी के पास बुक हो तो सेंड कर दिएगा। अच्छा, फिर एक टॉपिक है प्रोग्राम मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी को जो है वो हम रोम भी कहते हैं, ठीक है। हमें पता है दो टाइप्स की मेमोरी होती है, एक होता है रैम और एक होता है रोम, ठीक है। रोम क्या होता है, जो कि हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, उसी को हम प्रोग्राम मेमोरी भी कहते हैं, जहाँ पे हमारी एप्लीकेशंस और सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। अगर हम अपना पीसी शट डाउन भी कर दें तो भी उसमें कुछ डिलीट नहीं होता है, तो वो हमारी प्रोग्राम मेमोरी नोन एज रोम होती है। डेटा मेमोरी रैम होती है, ठीक है, जहाँ पे जो है आप किसी भी डेटा को रखते हैं, तो वो टेम्प्ररी, ये टेम्प्ररी मेमोरी होती है, ठीक है, ये परमानेंटली सेफ नहीं करता है। डेटा मेमोरी में आप अपने वेरिएबल्स को प्लेस करते हो, यू कैन रीड एंड राइट वैल्यू। अच्छा, जो रैम होती है वो रीड एंड राइट मेमोरी होती है, जो रोम होती है वो रीड ओनली होती है, मतलब वो सिर्फ रीड कर सकती है, रैम जो है रीड राइट दोनों कर सकती है। द प्रोसेसर ऑलवेज यूज 16-bit एड्रेसेस सो दैट डेटा कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर, ठीक है। अच्छा, स्टैक मेमोरी होती है, एक स्टैक मेमोरी जो है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ मेमोरी होती है, जो कि टेम्प्ररी इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए यूज होती है। व्हेन वी वांट टू रीड इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट। अच्छा, क्या लिखा हुआ है कि अगर हमें डेटा इंफॉर्मेशन को रीड करना हो एग्जैक्टली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन टू दैट इन विच इट वॉज रिटन इन, मतलब के जिस डायरेक्शन में ये रिटर्न हो उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने उस इंफॉर्मेशन को रीड करना है, विदाउट टेकिंग केयर अबाउट ऑर्गेनाइजिंग डेटा एड्रेसिंग, सही है। तो आई थिंक इसको स्टैक जब भी कहा जाता है, क्योंकि स्टैक जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, यानी ऑपोजिट में जा रहा है। अगर सबसे पहले हम कोई डेटा अंदर डाल रहे हैं तो वही सबसे आखिर में हमारे पास आएगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में डेटा रीड हो रहा है हमारे पास, ठीक है, तो इसलिए इसको शायद स्टैक मेमोरी कहते हैं। फिर हमारे पास कुछ आते हैं 8080 के इंस्ट्रक्शन सेट, जिसमें होता है डेटा मूविंग इंस्ट्रक्शंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, लॉजिकल ऑपरेशंस या फिर ऑपरेटर्स, कंट्रोल ट्रांसफर, कंडीशनल अनकंडीशनल कॉल, कॉल सब रूटीन, रिटर्न फ्रॉम द सब रूटीन एंड वेट स्टार्ट, आईओ इंस्ट्रक्शंस, अदर्स। अदर्स में हमारे पास आती है सेटिंग, पेयरिंग, इनेबलिंग, डिसेबलिंग, इंटरप्ट, चेक, स्टैक ऑपरेशंस, etc। ठीक हो गया, बेसिक माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम कॉन्सेप्ट। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर का जो है ये बहुत डिटेल वे में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा फंडामेंटल पर्पस, इज द मोस्ट फंडामेंटल पर्पस ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम, टू प्रोसेस डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा यानी कि इनपुट लेना आउटसाइड वर्ल्ड से और फिर उसको प्रोवाइड। और उसका जो उसको एज अ आउटपुट प्रोवाइड करना, ठीक है, तो ये सारा माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम में आ रहा होता है। अच्छा, अगर आपको टू अंडरस्टैंड माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम, इट इज नेसेसरी टू व्यू द इंटायर सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, रोम, रैम एंड आईओ पोर्ट्स। माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए नेसेसरी है कि आप जो है पूरे इंटायर सिस्टम के बारे में पढ़ें, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ें, रोम के बारे में पढ़ें, रैम के बारे में पढ़ें और आईओ पोर्ट्स के बारे में पढ़ें। एज अ कलेक्शन ऑफ एड्रेसेबल रजिस्टर, दोस रजिस्टर दैट डिसाइड विद इन द माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा, कुछ कलेक्शंस होता है रजिस्टर्स का, वो रजिस्टर जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रिजाइड करते हैं और डिसाइड कर रहे होते हैं कि क्या काम हो रहा हो, वो आपके कहलाते हैं इंटरनल रजिस्टर्स।
और वो रजिस्टर्स जो रोम रीड राइट मेमोरी में या आईओ पोर्ट्स में आते हैं, एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, वो आपके कहलाते हैं एक्सटर्नल रजिस्टर। इंटरनल एक्सटर्नल को याद कैसे रखें, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो हैं वो आपके इंटरनल कहलाएंगे, रैम रोम में जो जा रहे हैं वो एक्सटर्नल कहलाएंगे। तो इस तरह से याद रखिएगा, द कलेक्शन ऑफ रजिस्टर दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पर्टिकुलर सिस्टम एंड अ डेटा ट्रांसफर दैट आर पॉसिबल अमंग देम टू मेक अ सिस्टम आर्किटेक्चर। ठीक है, तो यही सारे रजिस्टर का कलेक्शन जो है ये डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं उसको एक सिस्टम आर्किटेक्चर बनाने के लिए। रजिस्टर की टाइप्स माइक्रो प्रोसेसर में और जो भी पॉसिबल डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है वो डिटरमाइन करते हैं एक माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। माइक्रो प्रोसेसर टू इम्प्लीमेंट सिलेक्शन बाय ट्रांसफर डेटा। माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम जो है वो अपने फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करता है बाय ट्रांसफरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग डेटा, डेटा को ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्म करके सिस्टम में रजिस्टर में ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ट्रांसफरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इन द रजिस्टर्स ऑफ द सिस्टम। जो हमारे डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है वो इंटरनल रजिस्टर्स में आती है, इंटरनल रजिस्टर यानी कि जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, मैनी ऑफ विच आर ऑपरेशनल रजिस्टर, और उन रजिस्टर्स में काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो ऑपरेशनल रजिस्टर्स होते हैं। ऑपरेशनल रजिस्टर्स जो हैं वो स्टोरेज रजिस्टर से डिफर करते हैं इन दैट दे आर एसोसिएटेड विद इम्प्ली, क्योंकि ऑपरेशनल रजिस्टर्स में जो हैं वो अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं जो उनको डेटा दिया गया होता है। ठीक है, तो ऑपरेशनल रजिस्टर्स क्योंकि उन पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और स्टोरेज रजिस्टर जिनमें कुछ स्टोरेज हो रही होती है। द माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइज द डेटा ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू, मतलब माइक्रो प्रोसेसर को जो भी इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती है वो उसके अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज कर रहा होता है और डेटा ट्रांसफर कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब आई थिंक मगरिब होने वाली है, ठीक है, 10 मिनट्स में, तो मगरिब पढ़ के फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 6:30 बजे तक स्टार्ट कर लेते हैं दोबारा से। ठीक है, यहाँ से बेसिक माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर एंड ऑपरेशन से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।